एसपीईएल प्रोग्राम के तहत स्नातक के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण के उपरांत वितरित किए गए प्रमाण पत्र। भारत सरकार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अधीन संचालित एसपीईएल प्रोग्राम के तहत पुलिस अधीक्षक महाराजगंज शोमेंद्र मीणा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री आतिश कुमार सिंह नोडल अधिकारी एसपीईएल प्रोग्राम पर्यवेक्षण में जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज और परमेश्वर सिंह मेमोरियल पीजी कॉलेज फरिंदा के कुल 50 छात्र छात्राओं का ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया। उनको जनपद के विभिन्न थानों में 30 दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया व प्रशिक्षण के उपरांत छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री आतिश कुमार सिंह, कोऑर्डिनेटर श्री विजय शंकर सिंह, सहायक प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज महाराजगंज रहे। दिनांक 1/2/2024 को जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज में छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरण करने के दौरान जवाहरलाल पीजी कॉलेज के प्राचार्य, प्राध्यापकगण व पुलिस के अधिकारीगण मौजूद रहे। एसपीईएल प्रोग्राम के तहत चयनित छात्र छात्राओं को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराते हुए संवेदनशीलता विकसित करते हुए पुलिस की कार्यशैली, कार्यप्रणाली, एफआईआर लिखने से लेकर घटना स्थल निरीक्षण तथा घटना घटित होने के उपरांत आवेदक वादी वादनी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर भली भात अवलोकन कर अपराध गंभीर प्रवृत्ति के पाए जाने, उच्च अधिकारियों का संज्ञानित करते हुए एफआईआर पंजीकृत किए जाने के संबंध में सीसीटीएनएस पोर्ट पर विस्तार से जानकारी दी व पुलिस की समस्त क्रियाविधि के विषय आदि के बारे में जानकारी प्रशिक्षण दिया। महाराजगंज से जिला संवाददाता मोहम्मद अली की खास रिपोर्ट। ये भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा स्पेल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, स्टूडेंट पुलिस एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, जिसके तहत जनपद महाराजगंज में एनएसएस नोडल अधिकारी के माध्यम से 50 छात्रों का चयन हुआ। ये दो महाविद्यालय से चयनित हुए छात्र थे। इन्हें कुल जनपद महाराजगंज के कुल 9 थानों में इनका प्रशिक्षण कराया गया, जो इसका उद्देश्य था कि इसमें जो पीपल स्किल है, लोक कौशल है, उसका इसमें बढ़ावा मिल सके और साथ ही पुलिस मित्र के रूप में ये कार्य कर सके। इस रूप में इन्हें जो पुलिस की पूरी प्रक्रिया होती है, चाहे वो आपराधिक प्रक्रिया हो, आपराधिक अनुसंधान हो, इसके अलावा कानून व्यवस्था हो, साइबर से संबंधित कार्रवाई हो, या इसके अलावा अन्य जो चीज़ें होती है जो पुलिस की पूरी प्रक्रिया में होती है, उससे इन्हें अवगत कराया गया, इसका प्रशिक्षण कराया गया। ये प्रशिक्षण कुल 1 महीने चला। जनपद महाराजगंज में ये 16 नवंबर को ऑफलाइन प्रक्रिया से शुरू हुआ था, बाद में ऑनलाइन प्रक्रिया में इसे आगे बढ़ाया गया और कुल 49 छात्रों का इसमें इंटर्नशिप हुआ। जो इनसे फीडबैक लिया गया, ये काफ़ी इनके द्वारा सकारात्मक फीडबैक भी दिया गया। इन्हें पूरी प्रक्रिया के बाद जब इन्होंने प्रशिक्षण पूरा किया तो इन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया और पूरे छात्रों का, जितने भी छात्र छात्रा इसमें संलग्न थे, उनके द्वारा पॉजिटिव फीडबैक दिया गया। उन्हें काफ़ी सकारात्मक रूप से उनके द्वारा ये चीज़ें देखी गई और प्रथम चरण के समापन के बाद आगे भी इस तरह की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए एनएसएस नोडल अधिकारी से संपर्क किया गया है और जल्द ही इसमें जब अग्रिम कोई बैच आएगा तो उसमें पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी वो संपादित की जाएगी।